हेलो वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू चैनल सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट के बारे में हम डेफिनेशन देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रस्ट का, ट्रस्ट का कि होता क्या है एंड फर्दर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ ट्रस्ट के बारे में तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट की डेफिनेशन से सो so, एक बेसिक डेफिनेशन से हम समझते हैं कि हम ट्रस्ट किसको कहते हैं ये डेफिनेशन कहती है इट ट्रस्ट इज एन एग्रीमेंट दैट अलाउज ए पर्सन

किस लिए जो है ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के द्वारा ताकि किसी थर्ड पार्टी का बेनिफिट हो सके मतलब कि ट्रस्ट के अंदर एक पर्सन जो कि ट्रस्टर है जिसको हम सेटलर भी बोलते हैं वो सामने वाले पर्सन को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है या फिर ये बोल लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के टाइटल का राइट देता है सामने वाले पर्सन को जिसको हम ट्रस्टी बोलते हैं एंड वहां पर एक ऑब्लिगेशन लगाया जाता है एक ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का उस एस्टेट का यूज थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए करेगा जिसको हम बेनिफिशरी बोलते हैं तो इस डेफिनेशन से रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये डेफिनेशन ये इलस्ट्रेशन कहती है कि ए जो है ट्रांसफर करता है सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी फॉर द एजुकेशन ऑफ सी मतलब ए जो है कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को ताकि सी की एजुकेशन उस प्रॉपर्टी में से चल सके मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी में से बेनिफिट अक्रू होगा जो भी उस प्रॉपर्टी में से बेनिफिट निकलेगा उसका यूज़ सी की एजुकेशन के लिए हो सके तब यहाँ ए ने ट्रस्ट कर दी बी को प्रॉपर्टी यहाँ पर बी जो है ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उस प्रॉपर्टी की बी के पास पर उसकी जो वो ओनरशिप है वो एक ऑब्लीगेशन के साथ एक ड्यूटी के साथ अटैच है कि वो जो बी है उस प्रॉपर्टी का यूज़ किस लिए करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ सी मतलब बी के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से जो भी बेनिफिट निकलेंगे या फिर उस प्रॉपर्टी का यूज जो होगा वो सी की एजुकेशन के लिए होगा तो यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप बना है ये जो एग्रीमेंट बना है ये ट्रस्ट का एग्रीमेंट बना है तो यहाँ पर हमने क्या देखा देर आर थ्री पार्टीज इन एनी एन ट्रस्ट रिलेशनशिप या फिर ट्रस्ट एग्रीमेंट में यहाँ पर तीन पार्टीज होती हैं जो फर्स्ट होता है उसको हम ट्रस्टर या फिर सेटलर बोलते हैं जिसके एसेट्स हैंडल हो रहे हैं वो ट्रस्टर कहलाता है मतलब यहाँ पर जो इलोस्टेशन में ए ए जो है ए के पास पहले वो प्रॉपर्टी थी जो उसने बी को दी है एंड वहां पर उसके जो एसेट्स हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो हैंडल कर रहा है बी उसने बी को ट्रांसफर कर दी ताकि सी को बेनिफिट मिल सके तो यहां पर इस एग्रीमेंट में इस ट्रस्ट एग्रीमेंट में ए जो है यहाँ पर ट्रस्टर है तो सेकेंड जो पार्टी होती है ट्रस्ट की वो ट्रस्टी होती है ट्रस्टी इज द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड्स और कंट्रोल ओवर द मतलब जो उन एसेट्स को कंट्रोल करता है होल्ड करता है ही इज नोन एज ट्रस्टी ही यहाँ पर जो इलेन है उसमें जो बी है वो ट्रस्टी है बिकॉज ही इज होल्डिंग दैट एसेट्स और ही इज कंट्रोलिंग दैट एसेट्स जो कि उसको ए से मिले हैं एंड जो थर्ड पार्टी होती है वो बेनिफिशरी हम उसको कहते हैं एंड बेनिफिशरी इज दैट इंडिविजुअल हु इज सेट टू इवेंचुअली रिसीव दी एसेट्स बेनिफिटिंग फ्रॉम दी ट्रस्ट मतलब जिसको उस ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं वो बेनिफिशरी कहलाता है यहाँ पर ऊपर इलस्ट्रेशन में जो सी है ही इज़ बेनिफिशरी इन दिस ट्रस्ट बिकॉज उसको बी से रिसीव होंगे बेनिफिट्स अपनी एजुकेशन के लिए सो वी कैन से दैट सी इज़ बेनिफिशरी सो पार्टीज ऑफ ट्रस्ट देखा हमने अब हम एक ऑथर की डेफिनेशन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम सेक्शन थ्री में जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन थ्री में भी ट्रस्ट को डिफाइन किया हुआ वो देखेंगे सो प्रोफेसर कीटन ने एक डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि इट ट्रस्ट इज ए रिलेशनशिप विच पर्सन एवरी कार्डी ट्रस्टी इज कम्पल्ड इन इक्विटी टू होल्ड प्रॉपर्टी प्रोफेसर कीटन ने डिफाइन किया कि एक जो ट्रस्ट होता है एक रिलेशनशिप होता है जो कि अराइज होता है जो कि बनता है कब बनता है जब जो ट्रस्टी है उसको कंपेल किया जाता है कि वो एक प्रॉपर्टी होल्ड करे फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्सन किस कुछ पर्सन के बेनिफिट के लिए वो जो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करे एंड जिन पर्सन की बेनिफिट के लिए वो जो ट्रस्टी है वो होल्ड करेगा उस प्रॉपर्टी को उसको हम टर्म दे सकते हैं सेटी की ट्रस्ट सेटी की ट्रस्ट कौन होता है बेनिफिशियरी को हम सेटी की ट्रस्ट बोलते हैं और फॉर सम ऑब्जेक्ट परमिटेड बाय लॉ एंड किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी वो जो ट्रस्टी है जो कि परमिटेड बाय लॉ है उस ऑब्जेक्ट के लिए भी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है वो ट्रस्टी इन सच ए वे दैट द रियल बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी अक्रूज नॉट टू ट्रस्टी बट टू द देनिफिशरी और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ दी ट्रस्ट एंड उस वे में वो जो ट्रस्टी है वो होल्ड करेगा उस प्रॉपर्टी को कि जो रियल बेनिफिट्स जो बेनिफिट अक्रू होंगे जो बेनिफिट निकलेंगे उस प्रॉपर्टी में से वो ट्रस्टी को नहीं जाएंगे बट वो जो बेनिफिट हैं वो जाएंगे बेनिफिशरी को या फिर अदर ऑब्जेक्ट जो कि ट्रस्ट के हैं सो so यहाँ पर एक और डेफिनेशन है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट एटीन के सेक्शन थ्री में बताई गई है जो कहते है कि कहते हैं कि ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्ट टू दिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्फिडेंस रिपोज इन एंड एक्सेप्टेड बाई दी ओनर मतलब एक ट्रस्ट जो है एक ऑब्लीगेशन होता है, एक होती है, जो कि annex होता है annex का मतलब अटैच होता है प्रॉपर्टी के ओनरशिप से एंड जो कि कि होता है जो बनता है जो जो बनता कॉन्फिडेंस से कि जताया जाता है उस प्रॉपर्टी के ओनर के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर ताकि किसी और पर्सन का बेनिफिट हो सके एंड या फिर अनदर पर्सन और साथ के साथ ओनर का वहां पर बेनिफिट हो सके मतलब कि एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो बेनिफिशरी होता है वो खाली थर्ड पर्सन नहीं हो सकता यहाँ पर जो ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होता है वो खुद ओनर भी हो सकता है वो जो ओनर है वो खुद के बेनिफिट के लिए भी वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर सकता है सो so ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ट्रस्ट का अब हम आते हैं काइंड सो आर वेरियस ऑफ ट्रस्ट एंड so इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है ट्रस्ट के अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है एंड देयर आर फोर क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी कि जो ट्रस्टीज हैं उनकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ देयर क्रिएशन कि किस तरीके से इनको क्रिएट किया जाता है फोर्थ क्लासिफिकेशन है इन रेफरेंस टू द कंसिड्रेशन सो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं जो कि ट्रस्टीज की ड्यूटीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है जिसमें ट्रस्ट को एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टीज द ट्रस्ट कैन बी डिडेड इन टू सिंपल ट्रस्ट एंड स्पेशल ट्रस्ट सो सिंपल ट्रस्ट में क्या होता है वो जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्सन में वेस्ट कर दी जाती है किसी दूसरे पर्सन के लिए मतलब वेस्ट की जाती है ट्रस्टी में ट्रस्टी को वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है दूसरे पर्सन के लिए किसी अनदर पर्सन के लिए एंड उस ट्रस्ट का नेचर सिंपल ट्रस्ट में सेटलर डिसाइड नहीं करता सेटलर प्रस्क्राइब नहीं करता मतलब कि एक तरीके से सेटलर नहीं बताता कि इस ट्रस्ट का पर्पज क्या है इस सिंपल ट्रस्ट में जो सिटी की ट्रस्ट है जो कि बेनिफिशियरी है उसके पास यहाँ पर राइट होता है कि वो ट्रस्टी को डायरेक्ट करे कि, कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करना है एंड जिस तरीके से वो बेनिफिशियरी डायरेक्ट करेगा उस तरीके से वो जो ट्रस्टी है वो उस प्रॉपर्टी का यूज करेगा मतलब अगर एक्स जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ए को बी के लिए एंड यहाँ पर कोई पर्पज नहीं, नहीं बताता एक्स जो है कि किस लिए उसने ए को ट्रस्टी बनाया है ये बता दिया एक्स ने कि बी बेनिफिशरी है यहाँ पर तो यहाँ पर जो पर्पज है वो कौन बताएगा पर्पज जो है यहाँ पर बेनिफिशरी बताएगा तो यहाँ पर एक्स ने कोई पर्पज नहीं बताया है तो यहां पर ए जो है वो मेयर पैसिव डिस्पोजिटरी है ट्रस्ट का मतलब कि उसके पास कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं है परफॉर्म करने के लिए सिंपली हम कह सकते हैं कि ए जो है जो ट्रस्टी है वो बी का सर्वेंट हो जाएगा इन रिगार्ड टू डेट प्रॉपर्टी जिस तरीके से बी ऑर्डर करेगा उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसी तरीके से ए को वो ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे एंड यहाँ पर बी जो है जो बेनिफिशियरी है वो कभी भी किसी भी टाइम पर ये डिमांड कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ट्रस्ट पे जो प्रॉपर्टी मिली है ए को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हमने देखा सिंपल ट्रस्ट सेकेंड जो है इसमें स्पेशल ट्रस्ट है इसी क्लासिफिकेशन में स्पेशल ट्रस्ट क्या होता है यहाँ पर जो सेटलर है वो पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करता है बताता है कि ये पर्टिकुलर पर्पज होगा इस ट्रस्ट का मतलब जो भी ट्रस्टी की ड्यूटी है वो बेनिफिशरी ना बताकर सेटलर ही बताता है जैसे कि इलेन देखते हैं ए जो है ट्रस्ट करता है एक प्रॉपर्टी बी को एंड ये कहता है बी की लाइफ के बाद इस प्रॉपर्टी का यूज जो है बी के चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए होगा तो यहाँ पर सेटलर जो है ए ने पर्टिकुलर एक पर्पज बताया है कि इस प्रॉपर्टी का यूज बी के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए होगा या फिर तब भी ये स्पेशल ट्रस्ट ही होगा जब किसी पर्सन को ट्रस्टी बना दिया जाए किसी प्रॉपर्टी का एंड ये कहा जाए कि इस प्रॉपर्टी में से जो इनकम निकलेगी उनका यूज पेमेंट ऑफ डेट के लिए होगा जो डेट्स रहते हैं इस प्रॉपर्टी में उनके लिए होगा ठीक है तब भी वो जो एक पर्टिकुलर पर्पस बताया गया है ट्रस्टर के द्वारा सेटलर के द्वारा तब भी वो एक स्पेशल ट्रस्ट कहलाएगा सो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ सेकंड क्लासिफिकेशन है ट्रस्ट का अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट्स सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स द ट्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट तो हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट ट्रस्ट में और पब्लिक ट्रस्ट में जिसको पब्लिक ट्रस्ट को हम चैरिटेबल ट्रस्ट भी बोलते हैं सो प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है प्राइवेट ट्रस्ट इज ए ट्रस्ट फॉर देनिफिट ऑफ सम स्पेसिफाइड एंड सर्टेन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और क्लास ऑफ इंडिविजुअल मतलब ट्रस्ट करना एक सर्टेन इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए या फिर क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए वो होगा प्राइवेट ट्रस्ट तो यहां पर इंडिविजुअल मतलब ए के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट कर दिया वो एक इंडिविजुअल के हो गया इंडिविजुअल्स का मतलब कि ए के बेटों के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट कर दिया ए के चार बेटे हैं एंड उन चारों के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट कर दिया तो वो इंडिविजुअल्स के लिए ट्रस्ट हो गया एंड अगर ये कह दिया कि ए के डिसेंडेंट्स को उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा तो वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होगा तो वो जो ट्रस्ट का बेनिफिट है वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हो जाएगा सो ये प्राइवेट ट्रस्ट हुआ पब्लिक या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है इट इज़ अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज और ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई जो ट्रस्ट है अगर बेनिफिट जिससे हो रहा हो पब्लिक का या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो वो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल किसी एजुकेशन पर्पज के लिए प्रॉपर्टी uh, ट्रस्ट करना किसी स्कूल बनाने के लिए कॉलेज बनाने के लिए तो वो पब्लिक ट्रस्ट माना जाएगा या फिर किसी रिलीजन uh, के एडवांसमेंट के लिए कोई ट्रस्ट करना कोई मंदिर के लिए कोई चर्च के लिए ट्र, ट्रस्ट करना तो वो भी पब्लिक ट्रस्ट बोला जाएगा उसको तो कुछ पॉइंट्स हैं प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट के रिगार्डिंग जो हमको जानने जरूरी हैं तो प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट का जो बेसिस है डिवीजन का कि किस बेस पर डिवीज़न हो रहा है वो नंबर के बेसिस पर नहीं होता डिवीज़न बट अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ द बेनिफिशियरी होता है मतलब ये नहीं है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं तो वो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ट्रस्ट का बेनिफिट मिल रहा है तो वो प्राइवेट ट्रस्ट बन जाएगा नहीं ऐसा नहीं है ये अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ बेनिफिशरीज होता है मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइवेट ट्रस्ट पचास से ज़्यादा लोगों को मिल जाए मतलब कि अगर ये कह दिया गया कि इस ट्रस्ट का बेनिफिट एक्स के डिसेंडेंट्स को मिलेगा एंड वहां पर एक्स के डिसेंडेंट्स की जो नंबर है वो फिफ्टी है तो यहाँ पर जो ये ट्रस्ट तो है प्राइवेट ट्रस्ट

क्योंकि ये यहाँ पर कंडीशन है कि जो बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको इस ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा एंड कोई एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला गया कि मिलेगा इस ट्रस्ट का बेनिफिट तो वो प्राइवेट तो हो नहीं सकता वो पब्लिक एट लार्ज में से मतलब उस क्लास में से कोई भी पर्सन निकल कर आ सकता है जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा बेस्ट स्टूडेंट चूज करने का तो बात ये है कि क्लास ऑफ दी पर डिपेंड होता है पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट का करेक्टर तो ये हमारी दो क्लासिफिकेशन देखी हमने थर्ड uh, क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ देयर क्रिएशन कि किस तरीके से वो जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हो रही है वो क्लासिफिकेशन यहाँ थर्ड कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे इसमें जो है सिक्स डिवीजन दिए गए हैं मतलब कि छह अलग अलग तरीके से जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हो सकती है तो फर्स्ट है इसमें एक्सप्रेस और डिक्लेयर्ड ट्रस्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रस्ट एक्सप्रेस करके या फिर डिक्लेयर करके क्रिएट की गई हो वो एक्सप्रेस या फिर डिक्लेयर ट्रस्ट होगी मतलब कि बाय जो वर्ड्स जो सेटलर है उसके वर्ड्स से क्रिएट हुई हो या फिर उसने कोई डीड लिखी हो या फिर कोई विल से क्रिएट हुई हो वो होगी एक्सप्रेस या फिर डिक्लेयर ट्रस्ट सेकेंड है इसमें एम्प्लाइड और प्रिज्यूम्ड ट्रस्ट जो एम्प्लाइड और प्रिज्यूम ट्रस्ट है वो एक्सप्रेस से अलग होकर अनएक्सप्रेस तरीके से बनाई जाती है बट जो सेटलर है जो ट्रस्टर है उसकी इंटेंशन से हम प्रज्यूम करते हैं कि वो ट्रस्ट इस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट करना चाहता है मतलब ये जो ट्रस्ट है ये एक्सप्रेस तरीके से बाय वर्ड्स या फिर बाय विल या फिर बाय डीड क्रिएट ना होकर ये सेटलर की इंटेंशन से हम प्रज्यूम कर सकते हैं कि वो ट्रस्ट बनाना चाहता है इसका हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि मान लीजिए ए ने बी को दो फील्ड्स दिए एक्स और वाई दो फील्ड्स हैं ए के पास वो बी को उसने कन्वे कर दिए एंड एक्स के फेवर में उसने ए ने जो है ट्रस्ट कर दिया बट वाई के रिगार्ड्स में जो ए ने कुछ नहीं बोला बी को कह दिया कि जो एक्स जो फील्ड है इसको तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ बट जो वाई फील्ड है उसके बारे में ए ने कुछ नहीं बोला बी से तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा उसने वाई के बारे में बट ये प्रज्यूम किया जा सकता है यहाँ पर कि एक्स के फेवर में तो उसने ट्रस्ट कर दिया तो वाई के फेवर में भी बी को उसने ट्रांसफर करा है वो फील्ड जो है तो वाई के फेवर में भी वो ट्रस्ट ही करना चाहता था ये प्रज्यूम किया जा सकता है कि वो जो ए है वो खुद के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए उन दोनों फील्ड्स को ही बी को ट्रस्ट करना चाहता है तो थर्ड है इसमें कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या होता है इज दैट ट्रस्ट विच इज नॉट क्रिएटेड बाय वर्ड्स और सेलकम्स चांसिस इम्पोर्टिंग एंड इंटेंशन बट इज इंपोज बाय कोर्ट ऑफ इक्विटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द दिन एक्विजिशन ऑफ अदर अनदर्स प्रॉपर्टी मतलब ये दोनों से अलग ना एक्सप्रेस तरीके से ही बनती है या फिर ना ही सरकमस्टांसिस से बनती है जो कि इंप्लाइड में बताया गया कि कंज्यूम करके जो ट्रस्ट बनती है बट ये जो बनती है कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर देता है किस लिए ऑर्डर देता है ताकि इन इनएक्विटेबल एक्विजिशन मतलब कि अनफेयर जो एक्विजिशन है दूसरे की प्रॉपर्टी का वो प्रिवेंट किया जा सके इट अराइजेज इन द केस ऑफ अनकॉन्शियेबल एडवांटेज गेन्ड बाय फिशरी और बाय अदर पर्सन मतलब ये उस केस में अराइज होती है उस केस में बनती है जहां पर अनफेयर एडवांटेज गेन किया जाता है फिड्यूशरी के द्वारा फिड्यूशरी कौन होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहां पर एक पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको उस पर्सन पर ट्रस्ट किया जाता है एंड वो कोई मनी या फिर कोई एसेट उसके पास होती है किसी पर्सन की एंड उस पर ट्रस्ट किया जाता है कि ये इस प्रॉपर्टी को या फिर मनी को संभाल के रखेगा इसको सही तरीके से यूज करेगा तो अगर वही जो पर्सन है जिसपे ट्रस्ट किया गया है जो हु इज इंटरेस्टेड विद सम एसेट और मनी अगर वही अगर अनफेयर एडवांटेज ले ले तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बन जाता है इसका हम एक रिलिस्ट्रेशन देखते हैं मान लीजिए एक प्रिंसिपल है उसने एक एजेंट अपॉइंट किया अपने हाउस को सेल करने के लिए उस एजेंट ने बोला कि इस हाउस को आप दस हजार रुपए से कम में नहीं बेचेंगे ओके okay, तो यहाँ पर एजेंट बेचने जाता है एजेंट उस हाउस को पंद्रह हजार रुपए का फिफ्टीन थाउजेंड का उस हाउस को बेच देता है एंड वो एजेंट अपने प्रिंसिपल को ये बताता है कि मैंने वो हाउस जो है सिर्फ और सिर्फ दस हजार रुपए में बेचा है तो यहाँ पर अनफेयर प्रॉफिट गेन कर लिया यहाँ पर उसने एजेंट ने पंद्रह हजार रुपए का बेचा था हाउस बताया अपने प्रिंसिपल को टेन थाउजेंड का मैंने सेल किया है तो यहाँ पर अनफेयर प्रॉफिट गेन कर लिया यहाँ पर एजेंट ने फाइव थाउजेंड का अनफेयर प्रॉफिट हो गया तो जैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल को पता चलेगा वो कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो एक कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट इंपोज कर देगा वो जो फाइव थाउजेंड रुपीज़ का अनफेयर प्रॉफिट गेन किया है यहाँ पर एजेंट ने उसके रिगार्ड में वहां पर कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा वो जो फाइव थाउजेंड रुपीज है वो जो एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए यूज करेगा तो तीन टाइप्स देखे हमने फोर्थ है यहाँ पर रिजल्टिंग ट्रस्ट रिजल्टिंग ट्रस्ट क्या होता है रिजल्टिंग ट्रस्ट में भी डिफाइन एज ए स्पीसीज ऑफ एम्प्लॉइड ट्रस्ट मतलब एक तरीके का पार्ट uh, है एम्प्लॉयड ट्रस्ट का एक स्पीसीज है उसकी एम्प्लॉयड ट्रस्ट की जो कि अराइज होता है उसी के फेवर में जिसने उस ट्रस्ट को क्रिएट किया है इट इज सो कॉल्ड इसलिए कहा जाता बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है उस का वो वापस ट्रस्टर के पास ही आ, रिवर्ट बैक होके आ जाता है एट ट्रस्टर को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस ट्रस्ट के बेनिफिट मिलते हैं इसका हम एक इनेशन देखते हैं मान लीजिए ए ने ट्रांसफर करी कुछ प्रॉपर्टी टी को

ए के फेवर में ही क्रिएट हो जाएगी वो कर जाएगी वो रिजल्ट ए ए ए के फेवर में मतलब कि को उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलने लग जाएगा आफ्टर डेथ अगर अगर रिजल्टिंग तो ट्रस्ट तो मतलब तो तो होगा तो रिजल्टिंग ट्रस्ट uh, है पांच तरीके से पांच में स्टांसेज हो सकती है पहला क्या इम परफेक्ट डिक्लेन मतलब जब ट्रस्टर ने ये नहीं बता रखा कि बेनिफिशियरी कौन होगा ए ने प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना दिया टी को एंड ये स्पेसिफाई नहीं किया कि बेनिफिशियरी कौन होगा तो वापस जो है रिजल्टिंग ट्रस्ट वो ए के बेनिफिट में ही ट्रांसफर हो जाएगी सेकेंड है वांट ऑफ कंसिडरेशन के केस में मतलब ए ने ट्रांसफर करी एक्स को कोई प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के ठीक है या फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ए ने जहाँ जिस पर उस ए का टाइटल है जिस पर ए का नाम है एंड यहाँ पर ए ने ये नहीं बताया कि बेनिफिशियरी कौन होगा

फेवर में रिजल्टिंग ट्रस्ट वहां पर क्रिएट हो जाएगी फोर्थ है यहाँ पर अनएग्जॉस्टेड रेजिड्यू केस में मान लीजिए मतलब कि जो मनी जो है यूज नहीं होती जो बच जाती है मान लीजिए ए ने ट्रांसफर करे टी को ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ताकि एक्स की जर्नलिज्म की स्टडी कंप्लीट हो सके उससे वो जो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ है वो टी जो है एक्स की स्टडी में लगाएगा जो कि जर्नलिज्म की है तो यहाँ पर क्या होता है एक्स की जो स्टडी कंप्लीट हो जाती है जर्नलिज्म की एंड वहां पर ओनली सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज उस पर स्पेंड होते हैं तो यहाँ पर बच गए ये है अन्यू तो यहाँ पर फोर थाउजेंड रुपीज के लिए ए के फेवर में ये ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम रिजल्टिंग ट्रस्ट बोलेंगे फिफ्थ है यहाँ पर वेयर द ट्रस्ट इज डिक्लेयर इलीगल यहाँ पर ट्रस्ट ही इलीगल हो तो वापस जो है ट्रस्टर के पास सेटलर के पास जो है प्रॉपर्टी वापस जो बेनिफिट है उसका आ जाएगा ट्रस्ट जो है इलीगल इसलिए होता है क्योंकि जो पर्पस है वो श नहीं होता जो कि सेटलर के द्वारा बताया गया है तो ये हमने फोर टाइप्स देखे फिफ्थ है यहाँ पर प्री कैटरी ट्रस्ट प्री कैटरी ट्रस्ट क्या होता है जो कि एम्प्लाइड होता है जो कि बनता है प्री कैटरी एक्सप्रेशन से प्री कैटरी एक्सप्रेशन क्या होता है जैसे कि रिक्वेस्ट होप डिजायर और उसी तरीके के सिमिलर वर्ड से जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो प्री कैटरी ट्रस्ट होता है ए प्री कैटरी ट्रस्ट में भी डिफाइंड एज ए ट्रस्ट डिक्लेयर्ड एंड क्रिएटेड नॉट बाय एक्सप्रेस वर्ड बट बाय प्री कैटरी वर्ड्स प्री कैटरी वर्ड से जो क्रिएट होता है जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं होप करता हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज इसके लिए इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए करेंगे या फिर मैं डिजायर करता हूं मैं रिकमेंड करता हूं तो ये प्री गटरी वर्ड होते हैं तो इस इन वर्ड से जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो प्री गटरी ट्रस्ट होता है एक रजिस्ट्रेशन देखते हैं एक टेस्टेटर है वो बकवीत करता है प्रॉपर्टी ए को एंड वहां पर ए को ये कहता है कि एंड वहां पर वो टेस्टेटर ए को ये कहते हैं कि वो होप करता है या फिर रिकमेंड करता है या फिर डिजायर करता है कि ये जो

जो ट्रस्ट का इस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्ट क्या है बट विल लिखने के बाद किसी तरीके से जो आ, टेस्टेटर है वो बाद में अगर डिस्क्लोज करता है और सीक्रेट ट्रस्ट बोला जाएगा उसको इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं मान लीजिए ए जो है विल के द्वारा क्या करता है टी को कहीं लैंड ट्रांसफर कर देता है एंड वहां पर ए जो है विल में नहीं लिखता कि किस लिए उसने टी को वो आ, लैंड ट्रांसफ़र करा है तो विल लिखने के बाद वो अलग से या फिर लिख कर या फिर बोल कर अगर टी को ये कह दे कि जो टी है वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा एक्स के बेनिफिट के लिए एंड उस बात से टी एग्री हो जाए ठीक है तो वहाँ पर एक ही डथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है विल के थ्रू टी को तो जाएगी टी में वेस्ट करेगी वो प्रॉपर्टी बट बाद में उसने ए ने टी को ये कह दिया था या फिर लिख के बोल लिख के कहा था या फिर बोल के कहा था कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज एक्स के बेनिफिट के लिए करेंगे तो यहाँ पर वो हो रही है किसके बेनिफिट के लिए पर, वहां पर अगर विल लिखने के बाद उसने एक्सप्रेस किया कि इस पर्सन के लिए ये यूज होनी है प्रॉपर्टी तो वो सीक्रेट ट्रस्ट बोला जाएगा फिर तो थर्ड क्लासिफिकेशन देखा फोर्थ क्लासिफिकेशन है इन रेफरेंस टू दी कंसिडरेशन इसमें दो टाइप्स हैं फर्स्ट टेस्ट ट्रस्ट फॉर कंसिडरेशन और वैल्यू एंड सेकेंड है वॉलेंटरी ट्रस्ट ट्रस्ट फॉर कंसिडरेशन और वैल्यू का क्या मतलब है ये जो ट्रस्ट है वो क्रिएट किया जाता है इन ल्यू ऑफ ए कंसिडरेशन मतलब इस ट्रस्ट में जो सेटलर है और सिटी की ट्रस्ट जो बेनिफिशियरी है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कंट्रैक्चुअल होता है मतलब जो ट्रस्टर है उसने मान लीजिए कुछ पैसे देने हैं बेनिफिशियरी के तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर देगा जिसके थ्रू उस बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलते रहेंगे एंड जो भी डेट्स जो सेटलर ने चुकाने हैं बेनिफिशियरी के वो उसको मिलते रहेंगे तब वो जो ट्रस्ट जो क्रिएट किया जाता है वो ट्रस्ट फॉर कंसिड्रेशन या फिर वैल्यू उसको बोला जाता है मतलब ए ने ट्रस्ट क्रिएट करा अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए तो वो एक ट्रस्ट फॉर कंसिड्रेशन या फिर ट्रस्ट फॉर वैल्यू होगा सेकेंड है इसमें वॉलेंट्री ट्रस्ट वॉलेंट्री ट्रस्ट इज ए ट्रस्ट विच इज़ क्रिएटेड फॉर नो कंसिड्रेशन मतलब ये जो कंसिड्रेशन है वॉलेंट्री होता है ये अपोजिट होता है ट्रस्ट फॉर कंसिड्रेशन या फिर वैल्यू से

एंड यहीं पे हमारी वीडियो भी ये एंड होती है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश वंशपत्र यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सो दैट वाज इट फॉर टुडे हैव अ नाइस डे